Hello friends, welcome to my channel. Friends, today I am going to show you how to do marking for intervention procedures like CT guided biopsy, CT guided aspirating cytology or CT guided pictal procedures. Okay, यहाँ पे हम कैसे मार्किंग करके देते हैं रेडियोलॉजिस्ट को और जो भी इंटरवेंशन करने वाले हैं उनको, वो सब कुछ मैं आपको ये वीडियो में बताने जा रहा हूँ. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले इफ यू आर डूइंग बायोप्सी और एस्पिरेशन इन कंटिन्यूशन विद द रूटीन स्कैन, एट दैट टाइम यू मस्ट बी हैविंग प्लेन स्कैन, IV contrast scan or delayed scans. Okay, but today I am showing you planning on the scan. This is only plain scan because I have done routine scan one day before. So first of all I have taken this plain scan. Okay, so plain scan लेते हैं तो उसमें सबसे पहले आपको you have to determine where is the lesion. This is the hypodense area. This is liver abscess in right lobe of liver. First of all, you have to, if the lesion is in liver, so you have to scan liver, or lesion is in kidney, you have to scan. You have to cover the area where the lesion is. Okay, so in this case, patient is having a large hepatic abscess. This is the abscess, hypodense area in right lobe of liver. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू प्लेन स्कैन. देन सबसे पहले आपको देख लेना है कौन सी इमेज पे आपको नीडल पियर्स करके लीजन में डालना है. ओके, तो वो डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहले आप देख लेना कि सुपीरियर लीजन यहां से स्टार्ट हुआ, फिर इन्फीरियर लीजन यहां पे एंड हुआ. दोनों को मीडियल पोर्शन में आपको लेना है. सपोज आप सुपीरियरली यहां से प्लानिंग करके देते हो तो यहां पे एक बार थोड़ा सा आएगा, फिर नहीं आएगा, जो भी पस निकलना है वो नहीं आएगा. सो सेंटरिंग करना होगा सुपीरियर एंड इन्फीरियर. आपको देख लेना है सबसे पहले, अभी देखो यहां से स्टार्ट हुआ है और यहां पे एंड हुआ है, तो दोनों को मिड पोर्शन में आपको लेना है. तो सपोज मैं अभी यहां टेबल पोजिशन 178 पे ले रहा हूं. ओके, टेबल पोजीशन से ही मार्किंग होगा. ठीक है, तो टेबल पोजीशन मैंने देखा कि ये इमेज का टेबल पोजीशन है 1378. सपोज आपने 5 mm कट्स लिया है, 3 mm कट्स लिया है, वॉट एवर लिया है, वो टेबल पोजीशन आपको ध्यान में रख लेना है. सबसे पहले टेबल पोजीशन से ही पूरा काम मार्किंग का होने वाला है. यहाँ पे टेबल पोजीशन सपोज आपने 1378 लिया है तो एक पेज में लिख लेना कि टेबल पोजीशन इज 1378. ओके, वो वाला इमेज मार्क कर लेना. ठीक है, फिर आपको गेंट्री पे जाना है, फिर वहां पे अपना इंडिकेशन जो मार्किंग का लाइट रहता है. सबसे पहले आपको स्कैन में वापस जो प्लान करते हैं, ये जो प्लेन स्कैन लिया है ना उसको कभी भी रेफरेंस जीरो मत करना. ये जो प्लेन स्कैन लिया है ना उसके ऊपर ही आपने देखा है कि 1378 टेबल पोजिशन है, तो ये वाला सेम जो स्कैन था ना जिस पे मार्किंग करने वाला है उसको रेफरेंस जीरो मत करना. ये ही स्कैन को रिपीट स्कैन पे क्लिक करके रिपीट करना है तो ही आप ये पोजीशन पे मार्क कर पाओगे. ओके, तो 1378 पे आपको मार्किंग करना है तो रिपीट स्कैन कर देना और टेबल को मैन्युअली प्रेस करके आपको 1378 तक ले जाना है. तो वहां पे अपना जो मार्किंग जो लाइट रहता है गैंट्री में वो ओपन कर देना. रोटेशन भी ऑन किया तो भी चलेगा, रोटेशन ऑन होगा तो वो पेशेंट के ऊपर ऐसे ऐसे घूमता रहेगा. तो 1378 पे ले जाना और वहां पे मार्किंग कर देना. तो आपको स्ट्रेट वो एंगल पे मार्किंग सबसे पहले मिल गया, वो मार्किंग मिल गया. फिर उसके बाद देन आई विल शो यू व्हाट टू डू. ये इमेज पे आपको सेंटरिंग करना, स्केल से आप मार्किंग करना. अम्ब्लाइकल रहता है ना, अम्ब्लाइकल, वहां से आपको स्ट्रेट लाइन खींच लेना. तो ये इमेज का सेंटरिंग करना है, ये लेफ्ट राइट. सबसे पहले लिख लेना टेबल पोजीशन 1378, देन
राइट साइड पे मार्किंग करना है तो राइट लिख देना, क्योंकि कभी कभी गड़बड़ करके लेफ्ट में भी कोई कोई कर देता है तो अच्छा नहीं होता है। कभी कभी हुआ तो भी कोई इशू नहीं है, बट आपको ध्यान रखना है, ये सब पूरी जिम्मेदारी आपकी है, ये मिस्टेक होना ही नहीं चाहिए। तो ये मैंने सेंटरिंग कर दिया है, यहां से टूल्स में जाके आपका जो भी ड्रॉइंग लाइन है वो ले लेना। ये सेंटरिंग हो गया मेरा, ये खाली बताने के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ मिड एरिया, बट आपको मैन्युअली पेशेंट के ऊपर अम्ब्लाइकल रहता है ना, वहां पे स्केल रख के एक स्ट्रेट लाइन खींच लेना, ठीक है। फिर सेकंड ड्रॉइंग लाइन लेना है आपको, ये सेंटर से लेके यहां तक इतना, ओके। तो यहां पे बता रहा है 15 सेंटीमीटर। फिर दूसरा आपको डिटरमाइन करना है कि नीडल को कहां से इनसाइड आपको डालना है। तो क्या करना है, ये जो व्हाइट व्हाइट एरिया है वो तो रिब्स है, रिब्स के पार यहां पे मार्किंग करोगे तो नीडल रिब्स पे ही टकराएगी। यहां पे आपको दिख रहा है कि ओपन एरिया है रिब्स का, थोड़ा इमेज ऊपर नीचे करके देख लेना, क्योंकि जब नीडल डालते हैं तो सुपीरियर इन्फीरियर थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, बट आपको एग्जैक्टली मार्किंग यहां पे कर देना है। तो यहां से नीडल क्या है अंदर जाएगी और मिड एरिया में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो यह सेकंड लाइन ये हो गया, थर्ड लाइन में लेता हूं। थर्ड लाइन मैंने डिटरमाइन किया है कि यहां से डालना है, तो यहां से लेके आपको इसको मैच कर देना है। ये अपना राइट एंगल जैसा हो गया है, राइट एंगल सरी का दो स्केल ले लेना हाथ में, या अम्ब्लाइकल के ऊपर आपने मार्किंग किया होगा स्ट्रेट, वहां से लेके राइट साइड में एक स्केल ऐसे रख देना, दूसरी स्केल यहां से रख देना, फिर यहां पे मार्किंग छोड़ देना। सबसे पहले जो अपना मार्किंग किया था, जो इंडिकेशन लाइट ऑन करके जब रोटेशन घूम रहा है तब लाइट भी घूमेगी, तो वो लाइट से आपको पूरा ऐसे सर्कल में स्केच पेन से ड्रॉ कर देना, ऐसे पूरा पेशेंट के ऊपर ड्रॉ कर देना, रेड स्केच पेन, ब्लैक स्केच पेन, जो भी हो। ये स्केच पेन यहां तक पूरा ड्रॉ किया होगा, तब ये आप एंगल बताओगे तो यहां पे आपको पता चल जाएगा कि यहां पे आपने मार्किंग किया है, ठीक है। यहां पे जब मार्किंग आपका खत्म हो गया, फिर फोर्थ वन यहां से लेके डिटरमाइन कर देना कि कहां तक नीडल डाल सकते हो। यू हैव टू सिलेक्ट सेंटर ऑफ द लीजन, दिस इज द एब्सेस एंड दिस इज द सेंटर पॉइंट, बिकॉज सेंटर में नीडल पहुंचेगा तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पस विल बी आउट व्हेन यू आर ड्रेनिंग, ओके। तो सेंटरिंग करना जरूरी है, तो ये देख लेना, अभी ये 8 सेंटीमीटर 7.5 सेंटीमीटर तक डाल सकते हो। नीडल वी आर यूजिंग इज 18 गेज और समटाइम्स वी आर यूजिंग 16 गेज ऑल्सो, बिकॉज 18 गेज में क्या होता है कि उसमें जो भी लिक्विफाइड मटेरियल जो है पस का वो फास्ट निकलेगा, 20 नंबर 22 नंबर भी रहती है, बट वो सब ये ड्रेनेज के लिए, एब्सेस एस्पिरेशन के लिए काम में नहीं आता है, क्योंकि उसमें बहुत स्लोली आएगा। 18 नंबर में क्या होगा कि स्लाइटली पेन ज्यादा होगा पेशेंट को, बट जब ड्रेन करते हैं पस को तब उसमें स्पीड में थोड़ा सा आने वाला है, ठीक है। सो ये मार्किंग हो गया, समझ गए आप, इसको ऐसे लाइन कर देना पूरा, रेड ब्लैक जो भी हो। फिर राइट एंगल से वन स्केल ऐसा पकड़ना, सेकंड स्केल ऐसा पकड़ना, दोनों का यहां पे लिखा है तो राइट में ये इसका लिख लेना कि भाई 15 सेंटीमीटर ये है, यहां से इतना करना है वो 15 सेंटीमीटर, ओके। फिर यहां पे एक लाइन कर देना है, फिर उसके बाद व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक स्मॉल मार्कर, छोटा सा मार्कर ले लेना पिन सरी का, उसको यहां पे रख देना, फिर एक बार रिपीट स्कैन कर लेना बिफोर नीडल अंदर डालने के, ओके। नीडल डालने से पहले एक बार यहां पे मार्किंग करके देख लेना, रिपीट स्कैन करके, कि आपका मार्किंग परफेक्ट है। सेकंड टेक्निक इज, ये मार्किंग करने के बाद यहां पे क्या करते हैं इंटरवेंशनिस्ट, यहां पे दो तीन एक अपना टेप रहता है ना, उसके ऊपर दो तीन स्मॉल स्पाइनल नीडल लगा देते हैं, फिर यहां पे स्टिक कर देते हैं, फिर एक रिपीट स्कैन लेते हैं, फिर देखते हैं कि भाई कौन से एरिया में कौन सी नीडल है। तो सपोज यहां पे थर्ड नंबर वाली नीडल आई तो उसको ऐसे मार्किंग करके यहां से नीडल अंदर डाल देंगे एस्पिरेशन के टाइम। बट सिंपल मैं तो ऐसा ही बोलता हूं कि एक छोटा सा मार्कर रख दो यहां पे, वही परफेक्शन आएगा, बट ऐसे भी करते हैं
सेकंड थिंग में, वो भी आप कर सकते हो। फर्स्ट कैन लिया है उसके बाद कभी भी रेफरेंस को जीरो मत करना। ये सेम टेबल पोजीशन पे, सपोज आपको आपके इंटरवेंशन इस बोलते हैं कि रिपीट स्कैन लो, तो ऑलवेज यू हैव टू रिपीट रिपीट एंड रिपीट। रेफरेंस को जीरो मत करना, न्यू पेशेंट को मत करना, ओके। वही स्कैन को आपको रिपीट करके सेम टेबल पोजीशन पे करना है। सपोज 1378 पे आपको नीडल डाला है, थोड़ा सुपीरियर इन्फीरियर करना है, तो आप बता सकते हो टेबल पोजीशन से कि 5 mm आपको सुपीरियर करना है कि 5 mm इन्फीरियर करना है, ओके। मीडियली तो ये अपना लेटरली से डाल रहे हैं, तो मीडियली तो पता चलने ही वाला है कि इतना सेंटीमीटर तक अंदर जा सकते हैं। तो टेबल को कभी भी जीरो मत करना, रेफरेंस को सेम टेबल पोजीशन पे जब तक बायोप्सी खत्म नहीं होती है तब तक आपको सेम पोजीशन पर रिपीट स्कैन करना है। कभी भी जीरो मत कर देना, ये मेजर टेक्निक वही है। जीरो किया तो आप भूल जाओगे कि कहाँ पे मार्किंग था। ये टेबल पोजीशन से आप सब कुछ मेजर कर सकते हो कि 2 mm सुपीरियरली थोड़ा नीडल डालिए आप और 1 cm इन्फीरियरली डालिए, वो सब कुछ ये टेबल पोजीशन से डिटरमाइन होगा। देखो सेम मैंने 1378 लिया है, ये सेम स्कैन 1378 यहाँ पे मार्किंग किया, अभी आप देख सकते हो यहाँ से नीडल अंदर डाला है, थोड़ा स्लाइड इधर उधर हुआ है बट अप टू द मार्क अंदर आ गया है नीडल, ओके। यहाँ देखो आप इमीडिएटली मैंने यहाँ तक बताया था इतना ही सेंटीमीटर हमारे इंटरवेंशन ने डाला है, ये पूरा लीजन है। फिर एक साइड से थोड़ा लिक्विफाइड कम होता है तो फिर थोड़ा सुपीरियर इन्फीरियर करके भी लेते हैं, ओके। पिक टेल का भी ऐसा ही प्रोसीजर है, मार्किंग करके आपको छोड़ देना है, फिर टेबल पोजीशन के ऊपर से आपको इंटरवेंशन इसको बताना है कि यहां से आप डालिए, तो आपका काम इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। बोन बायोप्सी करते हैं, सपोज वर्टिब्रा में से करना है तो वर्टिब्रा में से आपको देखना होगा कि कहां पे पेडिकल्स नहीं है। सपोज कभी कभी पेडिकल्स को पियर्स करके भी वर्टिब्रा में पहुंचते हैं, तो वैसे तो प्रोन पोजीशन में लेते हैं, ये 9 roots पे नहीं जाना चाहिए, वो ध्यान रखना आप। वो टाइम पे तो आप आपके कंसल्टेंट से पूछ लेना कि कहाँ पे मार्किंग करना है, सपोज आपको समझ में नहीं आता है तो। यहाँ पे 9 roots रहते हैं, यहाँ पे आप नहीं कर सकते हो, नीडल 9 roots में लग गई तो पेशेंट को इंजरी हो सकता है, कुछ भी इश्यू आ सकता है। तो बोन बायोप्सी में, वर्टिब्रल बोन बायोप्सी में ये खास ध्यान रखना आप कि यहाँ से थिकल सैक रहता है तो यहाँ से कभी कभी ये पेडिकल को तोड़ के यहाँ से जाते हैं, तो प्रोन पोजीशन में ही होगा मैक्सिमम। सो आप देख सकते हो ये हमारा ये स्कैन खत्म हो गया, यहाँ पे एग्जैक्टली नीडल इनसाइड एस्पिरेशन के लिए डाल दिया है, 18 नंबर का डाला है। पिकटेल इसके लिए डालते हैं कि पेशेंट को कंटिन्यूस फीवर रहता है, मतलब पिकटेल कोई कोई डाल के छोड़ देते हैं 3-4 दिन के लिए और एक बैग लगा देते हैं, उसमें स्लोली स्लोली पस निकलते रहता है, मैक्सिमम निकल जाता है, फिर एंटीबायोटिक्स से पेशेंट हील जल्दी होता है। सेम प्रोसीजर ऐसा ही एस्पिरेशन किया है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पस विल बी रिमूव्ड एंड पेशेंट विल बी हील इजिली। सो ये आज का हमारा वीडियो था, हाउ टू डू मार्किंग ऑन द इमेजेस ऑफ एस्पिरेटिंग साइटोलॉजी और बायोप्सी और पिकटेल प्रोसीजर और बोन बायोप्सीज। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।